ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं आज अपने तोमर राजवंश के पांडवों का जो राज चिन्ह रहा है, तोमरों का जो राज चिन्ह रहा है, गौ बच्चा रक्षा का निशान, आज माँ गौ गाय माता के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके लिए जो हमारे राज चिन्ह में जो श्लोक कहे गए हैं, मैं उनका यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। इसमें उनको नमस्कार करने के मंत्र का केवल उच्चारण करूँगा, उनके नैवेद्य प्रदक्षिणा के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने राजवंश के राज चिन्ह के यहाँ पे गौ मंत्र उनका उच्चारण कर रहे हैं। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे बाय।
शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम यहाँ उद्दिष्ट तंत्र में रावण द्वारा बताई गई आर्द्रपटी विद्या का उपयोग यहाँ बता रहे हैं, और इस विद्या के प्रयोग में यह सावधानी रखना चाहिए, चूंकि ये एक काला जादू की विद्या है, जिसे काला जादू कहा जाता है आमतौर पर। वस्तुतः ये एक मारण विद्या है, और इसके लिए काला जादू नहीं, मारण शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और इस विद्या का प्रयोग करने पर विधि तो वही है काला जादू की, लेकिन जो है मारण सुनिश्चित होता हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी आभास हो जाए, जो हम अपनी पिछली फिल्मों में बता चुके हैं कि आप पे किसी मंत्र का या तंत्र का असर हुआ है तो उसके क्या पहचान है, तो वो अपनी फिल्म में हम जो पहले बता चुके हैं, अगर ऐसा कोई लक्षण नज़र आए तो आप इससे जो बड़े मंत्र हैं, उच्च कोटि के मंत्र हैं, ये थोड़ा निम्न कोटि है, थोड़ा सा तुच्छ लेवल है, लेकिन जो साधारण मदारी टाइप के जो लोग रहते हैं या लुच्चे टुच्चे रहते हैं पैसे और लोभ लालच में, वो इन मंत्रों का उपयोग करते हैं और काला जादू इन मंत्रों से करते हैं। तो इस मंत्र को जो है काला जादू के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका विधान हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी लक्षण या आपको वो नज़र आता है तो हम जो पीछे फिल्मों में बता चुके हैं, कई काला जादू के काट के मंत्र वहाँ अपनी फिल्मों में हम वो उच्च कोटि की साधनाएं और उनका दे चुके हैं, तो आप उनका उपयोग करें या उच्च कोटि के साधक से या उच्च कोटि के गुरु से मिलें। तो ये है क्या काला जादू और किया कैसे जाता? तो एक तुच्छ लेवल का जो प्रयोग है, छोटे स्तर का, जो कि आसानी से लोग कर देते हैं, जो लुच्चे मदारी किस्म के लोग रहते हैं, थोड़ा सा पैसा देकर किसी पर प्रयोग कर देते, हम उसको आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। हालांकि इसकी काट जो है बहुत उच्च कोटि की रहती है, और उसमें जो व्यक्ति ये काले जादू को करता है या मारण प्रयोग को करता है, उसकी खुद की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। जो अब उच्च कोटि का कोई साधक या उच्च कोटि के साधना का या मंत्रों का उपयोग किया जाता है, तब तो ये आर्द्रपटी विद्या कहलाती है। हम आर्द्रपटी विद्या का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवती आर्द्रपटेश्वरी हरित नीलक लवपटे काल आर्द्र दिव्ये चांडालनी रुद्राणि कपालिनी ज्वालामुखी सप्त दिव्ये सहस्त्रनयने ये अमुकम ते पशुम ददामि अमुकस्य जीवम निक्रंतय ए तज्जीवितापहारिणी हुम फट भूर्वस्व फट रुधिराद्रव शाखादेने मम शत्रुन छेदय छेदय शोणितम पिप्य हुम फट स्वाहा। अब इस मंत्र का एक बार हम पुनः उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवती आर्द्रपटेश्वरी हरित नीलपटे काले आर्द्र दिव्ये चांडालिनी रुद्राणि कपालिनी ज्वालामुखी सप्त दिव्ये सहस्त्रनयने ये अमुकम ते पशुम ददामि अमुकस्य जीवम निक्रंतय ये तज्जीवितापहारिणी हुम फट भूर्वस्व फट रुधिराद्रव शाखादीन मम शत्रुन छेदय छेदय शोणितम पिप्य हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, और इस मंत्र को 10,000 बार जाप करने पर विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, गुरु की आज्ञा से अनुमति लेकर और उनके सानिध्य में साथ बैठकर इस मंत्र को 10,000 बार जाप लें, तब ये मंत्र सिद्ध होता है, और गुरु फिर इसमें मार्गदर्शन आपको आगे कुछ और करते हैं। इस मंत्र का जो विनियोग है, विनियोग का मंत्र हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ओम अस्य श्री आर्द्रपटी महाविद्या मंत्रस्य दुर्वासा ऋषिर गायत्री छंद हुम बीजम स्वाहा शक्ति मम अमुक शत्रु निग्रहार्थे जपे विनियोग। तब हाथ में जल लेकर विनियोग करने के बाद जल भूमि पर छोड़ दें। तो इस मंत्र का मैं एक पुनः उच्चारण दे रहा हूँ, विनियोग का मंत्र आप सुन चुके हैं।
ओम नमो भगवती याद्रपटेश्वरी हरित नील पटे काले आर्द्र जिव्वे चांडालिनी रुद्राणी कपालिनी ज्वालामुखी सप्त जिव्वे सहस्त्र नयने ये अमुकम ते पशुम ददामि अमुकस्य जीवम निक्रंतम ये तज्जीवितापहारिणी हुम फट भूर्वस्व फट रुधिराद्रव शाखादिन मम शत्रुन छेदय छेदय शोणितम पिप्पिव हुम फट स्वाहा। ये इतना मंत्र है। अब इसमें केवलम जप मात्रेण मा शांते शत्रु मारणम और कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत कृष्ण चतुर्दशी और शत्रु नाम समायुक्तम मंत्रम तावत जपेन्नर रिपुपादय तव धूल्याश्च कुर्यात् पुत्तिलिकां ततः अजापुत्रम बलिम दत्वा वस्त्रम रक्तेन संलिपियेत् ततो ग्रहीत्वा तदस्त्वं नेषत् पुत्रलिकोपरि यावक्षिष्यति दत्रस्त्र तावक् शत्रु विनश्यति। मंत्रराज प्रभावेण नात्र कार्य विचारणा। मतलब ये है इस मंत्र का जाप करने से मात्र 30 दिन में शत्रु की मृत्यु हो जाती है। यह मंत्र जाप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक नित्य 108 बार शत्रु के नाम का उच्चारण के साथ करना चाहिए। उसके नाम का उच्चारण इस प्रयोग में शत्रु के पैर की बालू यानी मिट्टी लाकर के उसके पैर की वो हम पीछे फिल्म में जो बता चुके हैं जब प्रयोग होते हैं तो क्या क्या सावधानी बरती जाती है पैर की मिट्टी की इसमें बात आती है। तो शत्रु के पैर की बालू यानी मिट्टी ला करके उसका पुतला बनाए और बकरे की बलि देकर उसके रक्त में वस्त्र डुबोकर उस पुतले को ढांक दें यानी पहना दें उन कपड़ों को कपड़े बना के पहना देना चाहिए उस पुतली को एक बिल्कुल उसी तरीके से उसी रूप में। इस प्रकार जब तक वस्त्र सूखेगा तब तक मंत्र के प्रभाव से शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ तक ये आद्रपटी विद्या का रावण ने जो वर्णन दिया है इसमें एक गुप्त सूत्र है वो जो छूट गया है छोड़ दिया गया है उसको हम यहाँ उल्लेख कर देते हैं। जबकि ये गुप्त सूत्र के बगैर ये मंत्र या ये विधान काम नहीं करता और असफल हो जाता। वो मंत्र ये है कि जब भी आप ये पुतली बनाते हैं जिसकी भी बनाते हैं जिसके भी पाँव की मिट्टी ला करके और फिर उसमें बकरे की बलि दे के उसके कपड़ों को उसको पहना करके वो करते हैं विधान पूरा। तो इसमें विधान में आपको ये ध्यान रखना चाहिए उस पुतली में उस शत्रु की जिसको आप वो करना चाहते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर दें उसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर दें उसके बाद में उस पर प्रयोग करें ये मंत्र जाप करें तो वो 30 दिन के अंदर में ही शत्रु का मारण हो जाता है। ये आद्रपति विद्या की ये जो विशेष बात है या जो खामी है जो शास्त्र और ग्रंथ में छोड़ दी गई है रावण ने ये जानबूझ के छोड़ी हो या इसमें कहीं कोई त्रुटि रही हो जैसा भी हो तो ये हमने आपको बताई ये काला जादू जो पुतली बना करके किस तरह से लोगों को मार दिया जाता है वो मंत्र भी हमने आप बता दिया उसको सिद्ध करने की विधि भी बता दी। लेकिन ये बगैर गुरु के कुछ नहीं होता इसलिए गुरु दीक्षा और गुरु के सानिध्य में इसको सिद्ध करना चाहिए उसके उपरांत इसका सेवा। और इसमें सावधानी यही है कि आपसे इस मंत्र से ज़्यादा जो उच्च कोटि के मंत्र हैं जो तीव्र और मारक बहुत तेज असर वाले हैं या उच्च कोटि की साधनाएं हैं ऐसे किसी साधक से अगर पाला पड़ गया या उसने इसको उलट पलट दिया या काट दिया तो फिर आपकी और जो कर रहा होगा आपका जो गुरु होगा उन दोनों की मौत सुनिश्चित है दोनों को ही मरना पड़ेगा। तो इसमें ये सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तो ये विधान हमने आपको बताया। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। प्रिय एवच नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतैस्थावर जंगमं ताम धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम् पंचगावसमुत्प
उत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु यानन्दा तस्ये देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुहे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनसुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। देवी तुभ्यं नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।